दोस्तों भी आपको बाहर का नज़ारा कैसा लगा? अभी मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली में और पुलमैन जो एक होटल है यहाँ पे एरो सिटी पे, जो लोग एरो सिटी आते रहते हैं उनको ये बात पता होगी, तो वहीं पे अब लॉन्च होने वाली है MZ ZS EV। इधर आप देख सकते हैं जो पूरी इसकी बोर्डिंग वो लगी हुई है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो लगी हुई है। कुछ ही देर में आपको इसका लॉन्च देखने को मिलेगा और आपका भाई आ चुका है अपने स्पॉट पे, अपना जो बैज वगैरह वो मिल गया है मीडिया एंट्री का। अब आराम से चलेंगे, गाड़ी शूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी गाड़ी बढ़िया से और अच्छे से देखने को मिल जाए। उम्मीद है इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती मीडिया इवेंट में, बाकी जब कभी मौका मिलेगा तो अलग से भी आपको गाड़ी दिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है शोरूम वगैरह में जाके। लेकिन अब मीडिया इन्वाइट था तो यहाँ तो आना ही था, और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी ऐसे ही इन्वाइट्स आते रहेंगे। तो शानदार सा होटल है, थोड़ा सा होटल का भी आपको अगर व्यू लेना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद सीधे बस इवेंट में अंदर चलेंगे और बढ़िया सी आपको गाड़ी दिखाएंगे। ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू MZ ZS EV, आज ये आपको देखने को मिलेगी आराम से अच्छे से। पूरा इंटीरियर, पूरा इसका एक्सटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये लॉन्च इवेंट से डायरेक्टली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत लोग काफ़ी समय से इसके लिए पूछ रहे थे, तो जैसे लॉन्च हुई है आपको ये देखने को मिल रही है चैनल पर। सबसे बड़ा हाईलाइट है वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर आपको ये पुश करके ये ओपन हो जाएगा, आपका एक बोल सकते हैं कि दरवाज़ा या डोर, और इधर आपकी जो चार्जिंग है वो आप कर पाओगे। ये आप देख सकते हैं अपना चार्जिंग सॉकेट, बहुत ही बढ़िया सा ये लगता है देखने में। MG की ब्रांडिंग आपको दी गई क्रोम पे और पियानो फिनिश के साथ। पूरी आप देख लीजिए साइड्स में, तो ग्रिल आपको देखते हैं, पूरी आपको जो बॉर्डरिंग्स हैं वो आपको क्रोम पे प्रोवाइड करी गई हैं, चेक कर लीजिए। इधर देखते हैं अपने आप हेडलैम्प्स, अभी आप देख रहे हैं अपने जो DRLs वो ऑन है, बहुत ही अलग से स्टाइलिश से आपको DRLs प्रोवाइड करे गए हैं। नीचे आपको कोई भी फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, और इधर आपको अंडरस्कर्ट्स आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रही हैं। कार का जो बोनट है वो ओपन हो गया, जो मैं आपसे बोल रहा था दिखाने के लिए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इधर। एक EV कैसी लगती है, थोड़ा सा आपको इधर व्यू मिल रहा होगा, अच्छे से आराम से आप चेक कर लीजिए, बढ़िया से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इसके फ्रंट प्रोफाइल का। देख लीजिए, एक मैं आपको राउंड भी दे देता हूँ, कम्प्लीट आपको व्यू मिलेगा पूरे इसका। एक राउंड आप ले लीजिए, हमेशा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि गाड़ी कम्प्लीटली आपको अच्छे से दिखे, बढ़िया से दिखे। अब इसका फ्रंट मैंने कवर कर लिया है, अब इसका साइड प्रोफाइल मैं दिखाता हूँ आपको किसी और गाड़ी का, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। इधर थोड़ा सा गेट वगैरह ओपन था, तो इधर आप देख सकते हैं अपना साइड प्रोफाइल। ये आपका हो गया जो ड्राइवर साइड है, देख लीजिए अपना जो व्हील एरिया है वो आपको चेक करा देते हैं। इधर आप देख रहे हैं आपको बहुत ही अलग स्टाइल में कुछ अलॉयज देखने को मिलेंगे, ऐसे आपने देखे नहीं होंगे किसी और गाड़ी मेरे हिसाब से, बाकी देखें तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। इधर आप देखते हैं इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई है, आपके जो ORVM है वो आप देख लीजिए बॉडी कलर पे दिए गए, और आपका इंडिकेटर इंसर्ट हो गया, ब्लैक एंड फिनिश हो गई। अब इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, इसकी जो रूफ़ है वो आपको दिखा देते हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं स्काई रूफ, 90% एरिया ये कवर करती है, साथ में आपकी रूफ रेल्स हो गई सिल्वर फिनिश पर, आपका जो एंटीना है आपको दिया गया शार्क फिन। अब मैं आपको वन फ्रेम व्यू देने की कोशिश करता हूँ कम्प्लीटली, इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिख जाएगा। वन फ्रेम व्यू मैं आपको दे देता हूँ, चेक कर लीजिए। इसका जो डोर हैंडल्स हैं वो आप देख रहे हैं, ये आपको दिए गए हैं क्रोम फिनिश के साथ। कीलेस का पैच आप इधर चेक कर सकते हो, इसकी जो डोर लाइन है वो आप चेक कर लीजिए, ये आप देखते हैं पूरा आपको क्रोम फिनिश प्रोवाइड करा गया है। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, और इधर आप देख लीजिए इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको अच्छे से पूरा दिख जाएगा, बैक प्रोफाइल बढ़िया से आप देख सकते हो। इधर आप देखते हैं
अपना हाई स्टॉप लैम्प, इधर आपका हो गया डिफॉगर, और इधर आप देख रहे हो आपकी जो बोल सकते हैं रियर वाइपर है। MG की ब्रांडिंग आप देख रहे हैं वैसी ब्रॉड ब्रांडिंग आपको पीछे भी देखने को मिलती है, साथ में ZS EV की ब्रांडिंग और आपका इंटरनेट इनसाइड की ब्रांडिंग दोनों आपको क्रोम पे प्रोवाइड करी गई हैं। टेल लैम्प्स आप चेक कर लीजिए, पूरा रैप अराउंड डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, बढ़िया से आप देख सकते हो, आराम से आप देख सकते हो और साथ में अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अब इधर इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और ये ओपन कर लेते हैं, इसका जो बूट है वो आपको चेक कराएंगे। तो बूट लैंप आपको प्रोवाइड करा गया, साथ में स्पेस आप देख सकते हो, शानदार सी स्पेस आपको मिलती है। स्पेयर टायर हो गया आपका, ये आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो मटेरियल क्वालिटी है वो सुपर्ब है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको फील करके, टच करके। और आपका जो बूट लैंप है शायद मैंने आपको बता दिया था, अब आपकी जो बोल सकते हैं कि रियर पार्सल ट्रे है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। इसको बंद कर देते हैं और अब आपको दिखाएंगा मैं इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आप चेक करोगे। को ड्राइवर साइड आप पूरा देख सकते हो अच्छे से, आराम से, बढ़िया से। थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर कर देता हूँ तो हर एंगल से आपको गाड़ी दिख जाएगी। बहुत ही हाईली डिमांडेड गाड़ी थे, इसका वॉक अराउंड बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड था और वो यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो ऐसे ही आपको आगे भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और बाइक्स देखने को मिलती रहेंगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं करा है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा बीच में क्रॉसिंग वगैरह तो होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इधर शूट कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तो आपको दिखानी दिखानी है। इलेक्ट्रिक की जो ब्रांडिंग वो आपको इधर भी दी गई है, साथ में इसका जो बोल सकते हैं कि डोर है वो आपको दिखा देते हैं। इंटीरियर मैंने ओपन कर दिया, पहले मैंने सोचा आपको को ड्राइवर साइड दिखा देता हूँ। आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलती है, बढ़िया सी, अच्छे से आप देख सकते हैं। इसका पूरा जो एंट्रेंस है बहुत ही ज़्यादा वाइड दिया गया है। को ड्राइवर साइड में आपको चेक करा रहा हूँ, पहले देख लीजिए, को ड्राइवर साइड आप पूरा चेक कर सकते हो, ये देख रहे हैं आप। अब इसका जो ड्राइवर साइड है बंद करके आ जाते हैं ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड में इसकी जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। ड्राइवर साइड आपको सीट एडजस्टमेंट्स दिखा देते हैं, ये आप देख रहे हो ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जो शायद ज़रूरी होती हैं इस रेंज की गाड़ी के लिए और बहुत ही बढ़िया सा कस्टमर इंपॉर्टेंस के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत बोल सकते हैं कन्वीनियंस फीचर होता है ये। बाकी अपना जो आप डोर है वो आप चेक कर लो, तो इधर आपकी जो डोर लॉक अनलॉक बटन है, आपके जो पावर विंडो कंट्रोल्स है, विंडो लॉक है, डोर पॉकेट है, ये देख लीजिए। अब इधर अपना आप जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हो, बाहर से मैं पहले आपको दिखा देता हूँ फिर अंदर बैठ कर बात करेंगे। अच्छे से आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं, सिंगल टोन बेसिकली आपको देखने को मिलता है, पियानो इंसर्ट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं, चेक कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से काफ़ी बात कर ली है, लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छे से आराम से आप पूरा इसका डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से पूरा आपको आइडिया लग जाएगा इसके डैशबोर्ड का, आराम से देख लीजिए। नई गाड़ी है, आप भी अच्छे से इसको देखना चाहते होगे, बढ़िया से चेकआउट कर लीजिए पूरी आप गाड़ी, बहुत ही शानदार और बहुत ही अवेटेड गाड़ी है, बहुत समय से काफ़ी लोग इसके लिए पूछ रहे थे, तो जैसे ही लॉन्च हुई है लॉन्च इवेंट से आपके लिए गाड़ी मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अपर पार्ट की बात कर लेते हैं, इधर आप चेक कर लीजिए, बहुत ही ब्रॉड आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी मटेरियल क्वालिटी आपको इधर इस्तेमाल में मिलती है, स्टिच फिनिश भी आप इधर देख सकते हो। रेंज के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया हर वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगा हर एक इसके कोने में, हर इसके एंगल में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको चेक करा देते हैं, साथ में जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी ऑन कर लेते हैं अगर बैटरी वगैरह चार्ज हो। जी हाँ, थोड़ी सी अब इसकी की मिसिंग है क्योंकि ये लॉन्च इवेंट में है तो यहाँ पे हम लोग की लेके बैठ नहीं सकते, और भी जगह पे वो लोग टहल रहे हैं जो गाड़ी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं। इधर आपका जो स्पीडोमीटर है, आपका जो DIS है और आपका जो बोल सकते हैं पावर है वो आप इधर से देख पाओगे। व्यूइंग आपको बहुत ही शानदार से मिलेगी, पूरा आपको बॉर्डरिंग मिलती है इधर सिल्वर फिनिश की, अच्छे से आप पूरा चेक कर सकते हैं। इधर आप देख रहे हो अपना टॉगल, ये आपका बोल सकते हैं लाइट और इंडिकेटर का टॉगल, और इधर आपका है वाइपर का टॉगल, चेक कर लीजिए आराम से अच्छे से। इधर अपने आप AC वेंट्स चेक कर सकते हैं, राउंडेड शेप में दिए गए हैं, पियानो फिनिश आप इधर देख रहे हो। नीचे आप देख लीजिए आपके जो ORVM एडजस्टर है वो आपको प्रोवाइड करा गया, और आपके जो हेडलैम्प लेवलर है वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी तक गाड़ी कैसी लगी अंदर से ज़रूर बताइएगा, अपने व्यू ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में इधर आप देखते हैं तो आपका जो क्रूज कंट्रोल का टॉगल है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। अब आ जाते हैं इसकी स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग आप चेक कर लो आराम से अच्छे से। इधर आपके हो गए मीडिया कंट्रोल्स, बीच में मिलती है आपको MG की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश पे, और पूरी बॉर्डरिंग भी इधर क्रोम पे प्रोवाइड करी गई है। इधर आप देखते हैं आपके जो DIS कंट्रोल है वो आपको दिए गए, यहाँ से आप सेवरल इसके जो फंक्शंस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। चेक कर लीजिए अभी तक बढ़िया सा लगा है, कुछ अगर आपको पूछना भी है तो आप नीचे कमेंट से पोस्ट कर सकते हो। मेरा बैग भी फ्रेम में आ रहा है, उसको मैं हटा लेता हूँ जिसमें कि आपको अच्छे से पूरी स्टेयरिंग दिखे। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है इधर, फटाफट से जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट्स में फटाफट से डाल दीजिए, ओपन है आप लोगों के लिए। अब चलेंगे इसका जो सेंटर कंसोल है वो आपको चेक कराएंगे। इधर आप अपना जो सेंटर कंसोल है वो आप देख सकते हो नीचे तक, अच्छे से आपको पूरा इसके सेंटर कंसोल का आइडिया लगेगा, चेकआउट कर लीजिए। इधर आप देखते हैं अपने AC वेंट्स,
हाइटेड दिए गए हैं और आपका इधर आप देखते हो पूरी क्रोम फिनिश, आपको क्रोम बॉर्डिंग्स देखने को मिलती हैं, साथ में सिल्वर जो पूरा इसका बहुत सारा सिल्वर इंसर्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। इधर इसका है इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब अगर यहाँ पे की होती तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता, फिर भी आपको इसमें जितने भी इसके फीचर्स होंगे मैं साइड्स में शॉर्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ऊपर आप देखते हैं अपना हजार लाइट का बटन, आपको सेवरल इधर कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए, साथ में आपको ये टच भी दिया गया है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे दूंगा, बीच में एक फोटो डाल दूंगा कैसा लगता है देखने में, कोशिश करूंगा जैसी अवेलेबिलिटी हुई, बाकी जब शोरूम पे गाड़ी आ जाएगी तो आपको अच्छे से आराम से देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल्स आप चेक कर लीजिए, तो आपके सोर्स है आपका, बोल सकते हैं कि ट्रैक वगैरह चेंज करना, आपकी जो रोटरी नॉब है, आपका जो म्यूट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। इधर आप देखते हैं आपके जो सेवरल कंट्रोल्स हैं आपके एसी के, वो आप देख सकते हो, इधर से आप ऑपरेट कर पाओगे। दो आपको रोटरी नॉब्स इधर भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इधर आपको मिलती है पूरी बोल सकते हैं कि रगेड फिनिश। ये आपका दिया गया 12 वोल्ट का सॉकेट, बहुत ही अलग सी जो पूरी लोकेशन है वो दी गई, और दो USB आपको उधर देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, बहुत अलग सा, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं हो किसी गाड़ी में, दो USB आपको उधर प्रोवाइड करी गई हैं। साथ में इधर आप देखते हैं आपका जो डिफरेंट बटन से बैटरी कर्स और मोड की बटन्स प्रोवाइड करी गई है, साथ में आपका जो गियर बोल सकते हैं कि रोटरी नॉब फॉर्म में प्रोवाइड करा गया, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा सा देखने को मिलता है इसका रोटरी डायल, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। पियानो फिनिश आपको देखने को मिलती है। इधर आपके हो गए सेवरल कंट्रोल्स, चेक कर लीजिए पूरी जो फिनिश है आपको पैटर्न फिनिश प्रोवाइड करी जाती है इसके सेंटर एरिया में। अब इधर आप ध्यान दीजिए, पूरा आपको फ्लोइंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। दो आपके हो गए इधर कप होल्डर्स, स्टिच फिनिश आपको साइड में भी देखने को मिल रही है। थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूं तो इधर से भी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ड्राइवर और सेंटर मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब इसका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं, जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो ओपन कर लेते हैं, मैंने ग्लव बॉक्स बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। अंदर की स्पेस आप देख लो, अंडर आर्मरेस्ट एरिया चेक कर लो, अच्छी खासी स्पेस आपको इधर प्रोवाइड करी गई है। इसको बंद कर देते हैं और अब चलते हैं इधर, चेक कर लेते हैं आपका को ड्राइवर साइड और ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं। डीप बहुत दिया गया, लाइट नहीं दिख रही मेरे को अभी इधर, ये आप चेक कर लो। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ कैमरा, अच्छा खासा स्पेस आपको अवेलेबल है। चेक करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, तो इधर आपको लिड के साथ वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा गया है, ये आप चेक कर लीजिए। चेक करते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर अवेलेबल है। इधर आप देखते हैं आपके सनरूफ कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं, जो आपकी लाइट कंट्रोल्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, ये आप चेक कर लो। दो बटन्स आपको देखने को मिल रही हैं, सनरूफ में भी आपको क्रोम फिनिश प्रोवाइड करी गई है थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए। इधर अपनी आप सनरूफ अंदर से भी देख सकते हो, जिसको लोग स्काई रूफ बोल रहे हैं, 90% एरिया ये रूफ का कवर करेगी, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। आपको अगर ये अच्छी लग रही है तो अपने व्यूज फटाफट से शेयर कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पोस्ट करते हैं कमेंट में। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कंपनी का लिंक, वहां जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। अब दोस्तों यहां से फ्रंट से मैंने आपसे बहुत अच्छे से बात कर ली है, चलेंगे गाड़ी की अब सेकेंड रो ऑफ सीट में और वहां बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर हैं, आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। अपना जो बोल सकते हैं थिंकिंग है वो भी साथ में शेयर करते जाइएगा वीडियो में। इसके अलावा आपको अगर कोई और वीडियो देखना है, किसी और गाड़ी का देखना है, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में पूरे अलग अलग गाड़ियों के डिटेल रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ब्रांड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी की सेकेंड रो ऑफ सीट में और वहाँ बैठकर आपसे बात करते हैं। इधर आप देखते हैं अपनी रियर सीटिंग, अच्छे से आप चेक कर लीजिए इसकी जो रियर सीट है। सबसे पहले देखते हैं कस्टमर सेंट्रिक इंपॉर्टेंट फीचर, इधर आपको कोई भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड करा गया है, ये आप चेक कर सकते हो। आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, और फ्रंट वाले हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं। जो आपका रियर डोर है वो आप चेक कर लीजिए, डोर पॉकेट्स हो गई। इधर आपके हो गए पावर विंडो कंट्रोल्स, इधर आप देख रहे हो सिल्वर इंसर्ट प्रोवाइड करा गया है। डोर आप पूरा अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, रियर सीटिंग मैंने आपको दिखा दी है। आप भाई बैठे हुए हैं इधर, तो स्पेस आप देख सकते हो। व्हाट्स योर हाइट? हाइट 5'10" भाई की हाइट 5'10" है, तो आराम से बैठे हैं। ऊपर आप हेड स्पेस भी देख सकते हो, तो अच्छे से आपको आइडिया लग रहा हो, और आगे लेग स्पेस भी बहुत बढ़िया से मिलती है। तो दोस्तों जितना मौका मिला उतनी मैंने गाड़ी आपको दिखा दी है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जितना भी इंटीरियर था एक्सटीरियर था मैंने पूरा डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी जो इसके फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन है, जो भी अवेलेबिलिटी होगी हमेशा की तरह आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना है यहाँ, तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, और अभी पीछे भी पूरी लाइन लगी पड़ी है, वहाँ से भी पूरे लोग अभी कवर करने बाकी, जो बाकी हैं गाड़ी कवर करने के लिए, तो उनको भी मौका देना है, खाली अपना नहीं कि अपने ही करते रहेंगे। जो मेन मोटिव था कि गाड़ी का थोड़ा सा व्यू आपको मिल जाए, तो वो शायद आपको मिल गया होगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक होगा, वो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा अगर आपको इसकी और भी चीज़ें जाननी है। शायद आपको लगता हो कि मुझसे कोई चीज़ रह गई है या मैंने कुछ आपको नहीं
नहीं बताया है तो वो आप विजिट कर लीजिए कंपनी का लिंक, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी हमेशा की तरह वीडियो में आपको साइट्स में शॉर्ट्स में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, और अपने व्यूज़ व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक करते रहिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही आपको आगे भी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ देखने को मिलती रहेंगी, बाइक्स देखने को मिलती रहेंगी, तो देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। इवेंट से मैं अब निकल रहा हूँ, यहाँ से मेरा काम खत्म होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।